चलो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम तीन हमारे पास एलिमेंट्स हैं। और ये कहता है एटम है वैलेंस बैंड, हर एक में वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस और कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी गैप है वो कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम का दिया हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू, इसमें से सही कौन सा है यार प्यारे बच्चों। चलो अब ये सवाल कैसे करोगे, ये वही कर पाएगा जिसको मोटा मोटा आइडिया होगा कि कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम की ये जो एनर्जी गैप है लगभग कितनी होती है। तो जो कार्बन होता है एनर्जी गैप, ये देखो ये होता है कंडक्शन बैंड, कितनी बार बना चुके हैं हम लोग इसको, बोर हो गए हैं। तो वैलेंस बैंड, तो इनके भी जो एनर्जी गैप होती है, एनर्जी गैप ये डेल्टा डेल्टा ई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूदेगा ना ऐसे, वैसे कूदता तो नहीं है ठीक है, गायब होता है, यहाँ से गायब होगा और यहाँ आ जाएगा। क्वांटम फिनोमिना है, जैसे होता ना जैसे शक्तिमान देखे होगे बचपन में ठीक है, शक्तिमान क्या होता था, यहाँ से गायब होगा और कहीं और अपीयर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ से गायब होगा इलेक्ट्रॉन और डायरेक्ट यहाँ, ऐसे नहीं ऐसे ट्रेवल करके जाएगा, कैसे गया हम लोगों को पता नहीं है किस दुनिया में कैसे गया है। चलो तो यहाँ से बैलेंस बैंड और कंडक्शन में, तो जो कार्बन होता है कार्बन के लिए जो डेल्टा ई होती है अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। तो ये कार्बन की या 5.5 एग्जैक्ट जो है 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 और 6 के बीच ये कार्बन। जो सिलिकॉन होता है सिलिकॉन की जो एनर्जी गैप है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है जर्मेनियम से, और जर्मेनियम की जो होती है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है। तो अब ये डेटा जिसको याद होगा वही ये क्वेश्चन कर पाएगा मोटी मोटे। देखो कार्बन की तो इन दोनों से अधिक होगी, तो कार्बन की जर्मेनियम और सिलिकॉन की इन दोनों से अधिक होगी, यह बात आपको पता है। यहाँ कार्बन सिलिकॉन के इक्वल दिया बिल्कुल गलत है, यहाँ कार्बन सिलिकॉन से छोटा दिया ये भी गलत है, यहाँ गलत मतलब ये ऑप्शन ये सही है ठीक है, कार्बन की सिलिकॉन से इन दोनों से अधिक होगी यार। चलो वीडियो पॉज करो और फिर सॉल्व